नमस्ते साथियों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर स्वागत है। कक्षा 12 है, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता हिंदी विषय से तैयारी करने वाले साथियों के लिए हमें आज हरी गीति का छंद पर बात करेंगे। कक्षा 12 की हिंदी साहित्य में भी ये काम में आने वाला है। अब हिंदी साहित्य में किस प्रकार से काम आएंगे उन पर बातें इससे पहले वाले गीतिका वाले वीडियो में की जा चुकी है कि इससे दो अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों ही रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में क्या होगा, इस छंद से संबंधित कुछ नियम या कुछ इसके लक्षण या इसकी परिभाषा दी होगी और वहां पर एक स्थान खाली होगा, उस खाली जगह पर हमें और ये नाम लिखना है। करना क्या है, हमें इसके लक्षणों की, नियमों की और इसके इसकी परिभाषा की पहचान करनी है। देखते हैं हरी गीति का छंद में क्या होता है। गीति का छंद में आपने पढ़ा 14-12 पर यति होती है और कुल मिलाकर 26 मात्राएं होती है। इसमें 14 है, 12 है, में 26 होती है, वो तो गीति का होता है, इसमें प्लस 2 और कर देंगे तो अर्थात 16-12 पर यति होती है और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 28 मात्राएं होती है। किसमें, हरी गीतिका छंद में। देखिएगा गीतिका से पहले हमने हरी लगाया और हरी में एक एक मात्रा पहले जुड़ी है तो आप पहले, तो 14 में 2 और जोड़ देंगे तो पहले 16 मात्रा हो जाएंगी। इसके लक्षण क्या क्या है, यह है एक सममात्रिक छंद है। अब दो लक्षण एक साथ आ गए, यह है सममात्रिक छंद है। कौन सा, हरि गीति का। मात्रिक छंद तो है ही है लेकिन इसमें सममात्रिक भी है, अर्थात प्रत्येक चरण में समान लक्षण वहां पर माने जाते हैं। दूसरा नियम कहता है इसके एक चरण, इसके प्रत्येक दल में कुल 28-28 मात्राएं, कुल 28-28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 28-28। 16 है या 16-12 पर है, इस प्रकार से लिख देवे 16-12 पर है, अर्थात 16 और 12 का 28 योग, 16-12 पर यति होती है। हरी गीति का छंद में यति कितने मात्राओं पर होती है, तो 16-12 मात्राओं पर इसमें यति मानी जाती है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद यदि देखें, इसके और लक्षणों की बात यदि हम करें तो इसमें तुक हमेशा चरण के अंत में प्राप्त होती है। तुक हमेशा चरण के अंत में प्राप्त होती है, तुक मतलब एक समान वर्ण। तुक हमेशा चरण के अंत में प्राप्त होती है, अंत में प्राप्त होती है। एक और नियम पांचवा जो इसकी वो है, तो हमेशा और लिखेंगे चरण के अंत में लघु गुरु का आना अनिवार्य होता है। ये पांच आपके सामने लिखे हुए हैं हरि गीति का छंद के नियम या उसके लक्षणों से संबंधित है। जो पांच पॉइंट्स थे वो देखने के पश्चात अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमें देखना है कि 16-12 पर यति आती है कि नहीं, 28 मात्राएं होती है कि नहीं। तो पहला उदाहरण है कहती हुई यो उत्तरा के, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से ओण मानो हो गए पंकज नए। देखते हैं मात्रा लगाकर क्या रहता है। मात्रा लगाते हैं, मात्रा निर्धारण के नियम आप इसके ठीक पहले गीतिका और गीतिका से ठीक पहले मात्रा निर्धारण के नियमों का वीडियो देख सकते हैं। लघु, लघु गुरु, फिर लघु गुरु, फिर गुरु, फिर यहां लघु है लेकिन आधा तय आने की वजह से गुरु मात्रा, फिर लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु लघु, लघु गुरु, लघु लघु, लघु और गुरु। देखते हैं मात्रा, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहां तक हमें 16 मात्राएं प्राप्त हो चुकी है। ये नियम पूरा
आगे देखते हैं, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां 12 मात्राएं आ गई और हम कह सकते हैं कि हमें 28 मात्राओं की प्राप्ति हो चुकी है। और ये जो पांचवा नियम था कि लघु गुरु का आना अनिवार्य होता है आपके सामने है, यहां लघु लघु गुरु लघु गुरु फिर गुरु फिर लघु गुरु होगा लघु गुरु गुरु फिर गुरु लघु और लघु के बाद में गुरु पे, चूंकि ह्रस्व है स्वर है या लघु स्वर है लेकिन इस पर अनुस्वर आने की वजह से यहां दीर्घ मात्रा लगेगी, फिर लघु 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 और गुरु। देखते हैं मात्राओं का निर्धारण कैसे हुआ है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहां तक मात्राएं 16 है हमें प्राप्त हो चुकी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दो हो गए पंकज नए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 5 बार, हाँ सॉरी गिनती में मिस्टेक हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां 12 आ गए तो हम कह सकते हैं 16 और 12 28 मात्राएं हमें प्राप्त हुई है। और ये लघु और गुरु का सामंजस्य जो तालमेल जो नियम जो इसकी शर्त थी वह भी पूरी हो चुकी है, अतः हम कह सकते हैं कि इस पद में हरि गीति का छंद तो है ही है, साथ ही ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है, इसलिए ये छंद देकर कई दफा पूछ लिया जाता है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा, तो अलंकार मानों की वजह से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा, कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो मनो मनहु जनो जनो जनहु, ये 6 शब्द यदि हमें किसी भी छंद में प्राप्त होते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। एक और उदाहरण है और वो उदाहरण देकर हम हरि गीति का छंद को पूरा करेंगे, उदाहरण है श्री रामचंद्र कृपालु भजमने कृपालु भजमने हरण हप भव भये दारुणम, यहां आप अनुस्वार ऊपर लगाते हुए या आधा में नीचे भी इसके लिख सकते हैं लेकिन उस समय पर हलंत लगाना अनिवार्य होगा। उसके बाद में है नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पदे कंजारुणम, अब हमने यहां ऊपर लगा दिया, आप चाहते तो आप नीचे आधा मैं यहां लिख सकते हैं, मात्रा लगाते हैं श्री में गुरु गुरु लघु चे आ गया लेकिन चे के ऊपर क्या है अनुस्वार, अतः गुरु मात्रा, यहां रे में लघु, यहां री में लघु, फिर गुरु लघु 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 गुरु लघु, यहां अणे पर क्या हो गया अनुस्वार आने की वजह से गुरु मात्रा लगेगी, यहाँ लघु लघु फिर गुरु फिर लघु क्योंकि कह पर अनुस्वार आ रहा है इसलिए, फिर गुरु लघु लघु फिर गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु। देखते हैं मात्रा 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहां तक मात्राओं का योग 16 है, 3, 2, 5, 2, 7, 7 और 5 आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 है, अतः हम कह सकते हैं 16 है और 12 है 28 योग का योग और ये लघु और गुरु आ गए। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहां तक मात्राओं का योग 16 हुआ, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां मात्राओं का योग 12 हो गया, कुल मिलाकर 28 की मात्राओं 28 का योग हुआ और अंत में यह लघु और गुरु का जो नियम है उस नियम की आवृत्ति यहां पर हो चुकी है, आप देख चुके हैं। तो ये हरि गीति का छंद का उदाहरण और हरि गीति का छंद के नियमों से संबंधित वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अवलोकपति अगले वीडियो में कुंडलिया छंद के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।